नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं न्यू टेक एंड ट्रिक्स। आज का वीडियो उन भाइयों के लिए है जो इंडिया से बाहर रहते हैं। मुझसे मेरे एक व्यूवर ने कमेंट करके पूछा, हम अपने डेबिट कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट कैसे करें। अगर आप इंडिया के बाहर से अपने SBI डेबिट कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक ओवरसीज़ मोबाइल नंबर। ओवरसीज से मेरा मतलब है जिस देश में आप रहते हैं वहाँ का मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, और ये मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ में रजिस्टर भी होना चाहिए। इस वीडियो में आप जानेंगे अपने मोबाइल से अकाउंट बैलेंस कैसे चेक करें, अपने मोबाइल पर मिनी स्टेटमेंट कैसे चेक करें, और अपने SBI डेबिट कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट कैसे करें। अगर आप ये सभी सर्विस एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए पहले इसे रजिस्टर करना होगा। इस सर्विस को रजिस्टर करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक SMS सेंड करना होगा। SMS को आप कैपिटल लेटर में ही टाइप करें। SMS में टाइप करें REG स्पेस अकाउंट नंबर और सेंड कर दें +91842228 और टाइप करें 5 times 3। SMS सेंड करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा, जिसका मतलब है आपके नंबर पर ये सर्विस एक्टिवेट कर दी गई है। बैलेंस चेक करने के लिए आपको एक और नंबर की ज़रूरत होगी। बैलेंस चेक करने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होगा आपको एक SMS रिसीव होगा जिसमें आपके अकाउंट बैलेंस की डिटेल होगी। मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होगा आपको एक SMS रिसीव होगा जिसमें आपको अपने अकाउंट के लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स की डिटेल देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं अपने SBI डेबिट कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए एक्टिवेट कैसे करें। इसके लिए भी आपको एक SMS सेंड करना होगा, लेकिन ध्यान रहे आपको SMS अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही सेंड करना है। SMS को कैपिटल लेटर में टाइप करें। SMS में टाइप करें SWON स्पेस ईकॉम स्पेस और आपके डेबिट कार्ड के जो लास्ट की 4 डिजिट है उसको आपको टाइप करना है और सेंड कर देना है आपको +91842229 और 5 times आपको इसमें 3 टाइप कर देना है। SMS सेंड करने के तुरंत बाद या कुछ मिनट के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा, जिसका मतलब है आपके कार्ड पर ई कॉम सर्विस एक्टिवेट कर दी गई है। अगर आप इस सर्विस को कभी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो SMS में SWON की जगह आपको SWOFF टाइप करके सेम नंबर पर SMS सेंड कर दें, ये सर्विस डीएक्टिवेट हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।